नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद एम शर्मा में आपका स्वागत है और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाल कर ये वीडियो देखी। तो आज का जो हमारा ट्रिप है वो है जयपुर का आमेर फोर्ट का। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए आमेर फोर्ट की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि पहली वीडियो में प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में आते आते बहुत तेज़ भूख लगने लगी है और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे हैं हमारी नज़र सबसे पहले पड़ी एक मिठाई की शॉप पर। तो सामने मिठाई की शॉप दिख रही है, वाह यार, काफ़ी नमकीन वैरायटीज़ भी हैं यहाँ पे और प्योर खोए से बनी काफ़ी मिठाइयाँ अच्छी अच्छी हैं। प्याज कचौरी, वाह, तो यहाँ पर गर्मा गर्म प्याज कचौरी खाते हैं और मिठाई खाने के बाद फिर हम चलेंगे आमेर फोर्ट की तरफ। तो ये है आमेर फोर्ट जो कि जयपुर में है। वाह यार, ये तो वाकई बहुत शानदार है। चलिए चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। वाह, कसम से यार, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। वो सामने जो दिख रहा है तो ये गार्डन है जो कि आमेर फोर्ट के एंट्रेंस पर है। इस गार्डन का नाम है दिल आराम गार्डन, जो कि उस समय राजा मान सिंह ने बनवाया था और ये जो ख़त्म किया है ये सवाया जय सिंह जी ने लास्ट। इसलिए तीन राजाओं ने मिलकर बनाया था। तो ये आमेर फोर्ट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पत्थर देखिए दोस्तों। और यार थैंक यू रोहित काकड़ा देने के लिए, हमने दुकान से कुछ एक्स्ट्रा ले लिए थे रास्ते में भूख लगे अगर। वाह यार, वाकई बहुत सुंदर है सच में। आप देख ही रहे हैं कितना शानदार पत्थर लगा हुआ है। सामने से गाड़ी भी आ रही है। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो किला है इसमें जाने के लिए तीन रास्ते होते हैं। एक उस समय पर हाथियों के लिए बनाए गए थे, एक सेनाओं के लिए और एक जो शाही परिवार था उसके लिए अलग से रास्ता था। यहाँ पर कुछ मार्केट भी हैं और अभी आगे की तरफ जाके मैं वो गार्डन दिखाऊंगा। सामने जो वो दीवार दिख रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। इस दीवार की कई कहानियाँ हैं। रोहित थक के बैठ चुका है, बोल रहा कि पैरों से चला नहीं जा रहा। तो ये है पहला दीवार द्वार। वाव, आप गेट की कारीगरी देखिए कितने विशाल हैं। डस्टबिन रखे हुए हैं लेकिन फिर भी लोग बाहर कचरा फेंकते हैं। तो ये शानदार दीवार, इसकी एक हिस्ट्री है जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जब मैं ऊपर पहुंचूंगा। तो ये जो आप गार्डन देख रहे हैं दिल आराम गार्डन, ये जो है ये राजा मान सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद राजा विजय सिंह और फिर लास्ट में राजा जो सवाया जय सिंह जी थे उन्होंने इसको पूरा करवाया। इसका जो निर्माण था ये 1859 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो इसका निर्माण था कंप्लीट वो 1927 से फिर अगेन दोबारा शुरू हुआ। 1927 में जो राजा सवाया जय सिंह थे उन्होंने जयपुर सिटी की नींव रखी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं गार्डन, ये जो है यहाँ पर इस पर कार्यक्रम होते थे, जो डांस करते थे उस समय जो राजाओं के सामने, तो वहाँ पर नृत्य होते थे। ये जो फाउंटेन दिख रहा वाइट वाइट, इसके चारों तरफ जो गुम्बद बने हुए हैं यहाँ पर जो गेस्ट आते थे वो आराम करते थे। रानी आती थी वो सब नृत्य देखती थी शाम को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर चहल पहल के साथ और जितने भी टूरिस्ट थे सभी बहुत अच्छे लगे और यहाँ पर मैंने किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं देखी। एकदम बहुत मज़ा आया, मैंने सच में बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रोहित को और दिलीप जी को जिन्होंने इस ट्रिप को मुझे मतलब दिखाया, मुझे ये आमेर फोर्ट और मेरा ये ट्रिप सक्सेसफुल किया। तो थैंक यू सो मच रोहित, आपको भी और दिलीप जी आपको भी। रोहित को पसीने आ गए। तो ये हमने वहाँ पर गाइड किए थे जिन्होंने हमें बताया कि जो सामने दीवार है इसका नाम है अरावली दीवार और ये 12 किलोमीटर में फैली हुई है। इसको सिक्योरिटी वॉल भी बोला जाता है जो कि वर्ल्ड में नंबर तीसरे नंबर पर आती है। और मैं आपको बता दूं, अभी पीछे इस पे लोग सेल्फी लेने ऊपर की तरफ गए हुए थे तो यहाँ पर बिजली गिरी थी और काफ़ी लोग यहाँ पर उनकी बॉडी आज तक नहीं मिल पाई है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। तो इस पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी मैंने आपको दिखाया है अभी, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी जब से ये हादसा हुआ है तो लोगों ने इसे वहाँ पर जाना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ने भी इसे बैन कर दिया ऊपर जाना। तो ये आप जहाँ तक आप देख रहे हैं ये जो दीवार है ये दो फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट, दोनों को जोड़ती है आपस में 12 किलोमीटर के एरिया को कवर करती हुई। दूर तक देखिए
वहाँ से ऊपर से जहाँ भी आपको दिख रहा है सामने, ये उधर से जयगढ़ फोर्ट की तरफ जा रही है सामने तक जहाँ पर आपको नज़र जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता था, जब कोई भी हमलावर आते थे तो नगाड़ा बजा के इस फोर्ट से उस फोर्ट पे अलर्ट दिया जाता, चेतावनी दी जाती थी। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, इसको जो है जो अकबर है उनका ससुराल है ये, और जोधा का मायका है ये। तो वाकई देखिए कितनी शानदार जगह है। मैं तो ये कहूँगा आपसे, जब भी आप लोग जयपुर आएँ तो प्लीज़ ये मिस मत कीजिएगा, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और ये शानदार नज़ारा देखिएगा। इस जगह को देख आप जितनी बार देखोगे उतनी बार ही अच्छा लगेगा। और कम से कम यहाँ पे 5 से 6 घंटे का टाइम निकाल के आइएगा। हमारे पास तो टाइम कम था क्योंकि मुझे ऑफिस भी आना था, और ये मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम और बचा था, तो मुझे 2-3 डेस्टिनेशन और कंप्लीट करनी थी अपनी। तो ये मंदिर आप वहाँ जाकर ये गार्डन भी देखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो आपको ये बाहर की ऊपर की तरफ दिख रहा है, यहाँ पर राजा जब युद्ध से आते थे तो पहले यहाँ पर विश्राम होता था। यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर विश्राम करके तब वो आगे महल की तरफ जाते थे। तो ये उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया था, और जो भी उनके अतिथि आते थे पहले वो वहीं रुकते थे। तो ज़रूर बताइएगा और ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, किले की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ की सीढ़ियाँ देखिए कितनी शानदार है। ये मैं पूरे अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके लिए बहुत एक अच्छा DSLR कैमरा चाहिए जो कि पूरा अच्छे से, और इसके लिए बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी चाहिए क्योंकि हम तो हमारा अभी स्टार्टिंग है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे अच्छी चीज़ें भी परचेस कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कम से कम अपने एक ग्रुप को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अंदर। अब जैसे ही हमने ये एंट्रेंस लिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इतना विशाल एरिया, यहाँ पर जो सैनिक थे वो परेड करते थे शाम को। ये उधर उनके विश्राम का बना हुआ है चारों तरफ, और जितने भी सैनिक हैं यहाँ पर उनका खाना पीना और सब जो भी होता था वो सब यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो भी बाहर देखने के लिए होते थे। कितनी विशाल जगह है। गला ख़राब हो गया है बिल्कुल, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो अपने भी जो सबसे पहला हम आए हैं एंट्रेंस में, ये आप जो सामने देख रहे हैं पहला वाला जो गेट था, वो गेट पार करने के बाद ये सामने देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने आम। यहाँ पर जो राजा थे, ये लोगों का जो उनके फैसले होते थे या उनको जो भी उनके उस समय के होते थे, मतलब एक तरह से आप इसे कोर्ट कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये फैसले होते थे, तो इसे दीवाने आम कहा जाता। राजा जो थे वो अपनी प्रजा की बातें सुनते थे, उनके न्याय करते थे। ये देखिए कितना शानदार बना हुआ है, ये बहुत ही विशाल, एकदम बहुत ही विशाल बना हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस द्वार का नाम है गणेशा द्वार। तो ये भगवान गणेश की इस पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और इस जो ये दरवाज़ा है, जो ये द्वार है, माफ़ करना यार हिंदी मेरी, मतलब मैं कुछ वर्ड जो बोलना चाहता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ। मैं गेट बोलना वाला था लेकिन गेट नहीं, द्वार बोलना ज़्यादा सही रहा क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो इस द्वार की जो खास बात है वो ये खास बात ये है कि इस पर जो कलर आप देख रहे हैं ये नेचुरल कलर हैं जो कि वेजिटेबल कलर है। जैसे हरा रंग बनाने के लिए मेथी पालक इनका यूज़ हुआ है, और लाल रंग जैसे गाजर से बनाया गया है, टमाटर से बनाया गया है। तो जितने भी कलर हैं सभी वेजिटेबल कलर्स हैं, और ये 400 साल पुराने कलर हैं, और इसको बनने में ही 137 साल लगे। और जब भी बारिश होती है तो ये और ज़्यादा इस पर कलर पर शाइन आता है। तो जब भी रेनोवेशन का काम होता है तो जो भी नीचे का या साइड का काम होता है वो होता है, बट इन कलर्स को रेनोवेट नहीं किया जाता, इनको वाइट वॉश नहीं किया जाता ताकि ये नेचुरल चीज़ ही आप सब लोगों को दिख सके। अब यहाँ से बालकनी से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का, जो कि अरावली वॉल है, दीवार जो मैंने दिखाई थी। और यहाँ से जो दिल आराम गार्डन है उसका नज़ारा देखिए, वाह, यहाँ से देखने में मैं बता नहीं सकता आपको कितना सुंदर लग रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए ये हाथियों वाला रास्ता है ऊपर से, और वो जो नीचे देख रहे हैं वो पैदल वाला, और उधर जो वहाँ से
पालकी जाती थी, वो जो वो बिना सीढ़ियों वाला रास्ता आपने देखा सबसे लास्ट में, वहाँ से रानियों की पालकियाँ जाती थी दिलाराम गार्डन में, वो पालकियों के लिए था। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं गणेश द्वार से एंट्री करके। जय हो। ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये चूना पत्थर है, और ये कलर देखिए कितने शानदार है। दरवाजे डिज़ाइन देखिए, उस समय की कारीगरी देखिए आप। ये सभी कलर वेजिटेबल हैं। ये पत्थर इतना ठंडा है, इसको लाइव स्टोन बोलते हैं, चूना से बना हुआ है। उस समय की कारीगरी देखिएगा। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, इसका नाम है मुगल गार्डन, और जो इसकी डिज़ाइन है, ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनाया गया है। ये देखिए उस समय की जो टेक्निक थी एकदम यूनिक थी, जो आज भी कारगर है और ये कभी फेल नहीं हो सकती। अब मैं जो आप ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, आप गैस कर सकते हैं महल कौन सा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने गैस किया नहीं किया। अब मैं बता देता हूँ इसका नाम, ये शीश महल है, जहाँ पर मुगले आज़म की शूटिंग हुई थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। इसमें मीना कुमारी जी का जो चेहरा ऊपर जब दिखाया जाता है, जो शीशे में एकदम बहुत सारे इमेजेस आती हैं, वो ये वही जगह है। यहाँ की खास बात ये भी है कि अगर इस पर टॉर्च मारेंगे आप ऊपर की तरफ, तो जो छोटे छोटे शीशे हैं ऊपर, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मतलब दिन में आपको तारे दिख रहे हैं। तो लोग यहाँ पर जब आते हैं तो मोबाइल टॉर्च से जला जला कर देखते हैं। और ये जो है राजा का सबसे फेवरेट प्लेस था आराम करने का, क्योंकि इसकी अपनी ही एक खास वजह थी। इसमें सर्दियों में जो दिए जला के उसकी लो जो होती थी, जब ऊपर शीशे में जाती थी और फिर वो नीचे आती थी रिफ्लेक्ट होके, तो ये उससे ना एक नेचुरल हीटर का काम करता था उस समय पे। टेक्निक देखिए आप, तो बताइएगा ये शीश महल आपको कैसा लगा। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, उसमें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये अंदर की तरफ है रास्ता। ये जो अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये जगह इसका नाम है सुख मंदिर, क्योंकि ये रानियों के लिए था। और जहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये चंदन की बनी हुई पालकी है, जिसमें रानियों को बिठा के घुमाया जाता था, और जब रानी खुश होती थी तो ऊपर दीवारों पे देखेंगे, जो आप देख रहे थे इसमें शीशे लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए। और ये यहाँ का नेचुरल एसी, यहाँ पर ऊपर एक पानी का टैंक बनाया जाता था, जो ये सामने आप जो सामने दूर देख रहे हैं, जहाँ पे ये भाई साहब ने अभी फिंगर किए, इसमें जो फिल्टर से पानी निकलता था, और जो दरवाजे थे उनमें छोटे छोटे जो जो खिड़की, इस तरह से वेंटिलेशन का काम होता था कि दरवाजे जो खिड़कियाँ जो थी उनसे जब झरने को पानी को टच करके हवा जाती थी, तो वो एकदम नेचुरल एसी का काम करते थे। और ये शीशे हैं जिनमें रानियाँ देख के अपने आप को खुश हुआ करते थे, तो दीवारों पर भी शीशे लगाए गए ताकि वो चेयर पर बैठ के अपने आप को देख सकें और खुश हो सकें। और इसीलिए इस मंदिर, इस भवन का नाम सुख मंदिर रखा गया है। सॉरी, ये है चंदन की लकड़ी से बना हुआ दीवार, जो इसका दरवाज़ा है एंट्रेंस। और जो झरनों से पानी आता था, देखिए उस समय भी टेक्नोलॉजी, वो पानी सीधा गार्डन में जाता था, मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते थे। ये उनका बार था, जहाँ पर वो लोग दारू वगैरह और मदिरा पान करते थे। तो ये अंदर की तरफ चलते हैं। और ये जो रास्ता है, ये इसमें सीढ़ियाँ नहीं है, ये इस तरह से बनाया गया कि रानियों की पालकियाँ यहाँ से गुजरा करती थी, जो दासी हुआ करती थी वो उनको मतलब जब ऊपर ले जाना हो या नीचे, तो दो आगे से उसे ऐसे खींचती थी और दो धक्का लगाते। रोहित ने पूरे रास्ते कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं छोड़ी, और यही कोल्ड ड्रिंक पी पी के मुझे पसीने में खांसी हुई है। ये देखिए यार, ये लोग दीवारों पर भी थूक जाते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। प्लीज़ जब भी आप ऐसी जगह जाएं तो ना थूका करें। ये देखिए, अब आप जितना भी अंदर जाएंगे, आपको बाहर का व्यू बहुत एकदम शानदार मिलेगा। बालकनी देखिए उस समय की, ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये दासियों के रहने के सर्वेंट क्वार्टर बोल सकते हो आप इन्हें, ये दासियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। सामने जो दीवार है, ये वही अरावली दीवार है जो कि जयगढ़ फोर्ट की तरफ जाती है। कितना शानदार, वो लोग कितना एंजॉय करते थे, कितने विशाल थे, कितने खुशनसीब थे वो लोग। काश मैं भी उस समय होता, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं,
ये गुप्त रास्ते हैं। देखिए ये राजा यूज क्या करते थे गुप्त रास्ते रानियों के पास जाने के लिए। ये जगह है इसको हमाम बोलते हैं, मतलब ये उनके नहाने का। ये उस समय के देखिए जो टॉयलेट हुआ फ्लैश करते थे ऊपर जाके, मतलब उनका ये बाथरूम कितने विशाल है उनके रानियों के नहाने के लिए। यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जगह बारह महल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो राजा मानसिंह थे उनके बारह रानियाँ थी। तो ये तीन साइड से एक तरफ में चार महल थे, तो चार, आठ और बारह। अभी हम इसके नीचे अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब उधर महल की तरफ चलते हैं। ये देखिए दरवाजे, देखिए सीढ़ियाँ इतनी छोटी छोटी हैं, लेकिन कारीगरी कमाल की है। ये गुप्त दरवाज़ा है जो मैं बता रहा था। ये राजा अपनी रानियों के पास जब जाते, एक रानी के पास जाते थे तो दूसरी को पता नहीं लगता था। ये दरवाजे तभी खुलते थे इनका सिर्फ राजा को ही पता होता था, और या फिर उनके जो खास जो एकदम करीबी वाले होते ना, गुप्तचर कैदो या सैनिक जो भी थे, उनको ही रास्ते पता होते थे। कितने चोर दरवाजे हैं यहाँ पे, कसम से मज़ा आ गया ये जगह देख के। आप भी ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मेरी खांसी और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ, प्लीज़ 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 उन्हें इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी चैनल की शुरुआत है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करके बस ये ध्यान दीजिए कि मैं आपको कैसी चीज़ें दिखा रहा हूँ और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी ऐसी डेस्टिनेशन पर जाता रहूँगा और आप लोगों के नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। तो ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। अब हम ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने दिखाया था अंदर जो ये रास्ता है जो गुप्त रास्ते से राजा आते थे, अब ये जो शयन कक्ष बोलते हैं, यानी ये रानियों के बेडरूम। ये देखिए ये उनके बेडरूम है। तो ये देखिए एक एक रानी का इस तरह का महल होता था, और यहाँ से जो रास्ता है, ये जो बारह रानियों के महल जो हैं ये सबके इस तरह से बने कि सबका रास्ता बाहर की तरफ होता था। बाहर मतलब जो बारह रानियों के लिए ये एक स्पेशल जगह थी, गार्डन, जहाँ पर वो बैठ के आपस में बातें कर सकती थी। राजा का इंतजार, जब राजा युद्ध पे जाते थे तो सब लोग, ये देखिए सब महलों का अंदर ही गार्डन बना के दिया था उन्होंने। और ये जो पानी होता था यहाँ पे, ये देखिए पानी के लिए भी स्पेशल ये जो जाल है, इनमें पानी, इनसे बारिश का पानी सीधा बाहर वाले गार्डन में जाके इकट्ठा होता था। और इसके नीचे एक टैंकर भी बना हुआ है जो पानी को स्टोर करता था महल के लिए। यहाँ पर एक कैफ़े है जहाँ पर राजा कॉफ़ी पीते थे। जो राजा सवाई जयसिंह थे, ये उन्होंने कॉफ़ी वाला बनाया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि उनके टाइम पे कॉफ़ी वगैरह आ गई थी सब। ये शॉप्स तो खैर अभी खुली हैं, उस समय नहीं होंगी शायद। ये देखिए कितना शानदार है। इसको अभी आपने जो मूवी की शूटिंग हुई थी, जो अकबर और जो ऋतिक और ऐश्वर्या वाली थी, उसकी शूटिंग वहीं हुई थी। ये उनका ही कुछ सामान था। अभी कुछ सामान बाहर भी है उनका, मूवी वाले जो वो छोड़ के गए थे। ये देखिए ये उनके जो किचन हुआ करते थे। ये देखिए कढ़ाई, देखिए ये जोधा अकबर की समय की कढ़ाई है, उस समय की नहीं है, ये मूवी की शूटिंग हुई उसकी कढ़ाई बची हुई है। ये देखिए इसमें ऐश्वर्या जब खाना बनाती है, कढ़ाइयाँ देखिए, वो बता रहे थे कि शूटिंग वाले छोड़ के गए थे। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए ये उस समय का घड़ा बना हुआ है, ये मिट्टी का घड़ा है, इसमें 500 लीटर पानी आता है जो सैनिकों के लिए यूज़ होता था, और ये उस समय से अभी तक चला। सोचो किस तरीके से बना है, और इसका पानी बताया जाता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब तो ये एक एंटिक अपने आप में यूनिक चीज़ बन गई है। तो हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं अभी। तो दोस्तों बताइएगा ये महल अभी कैसा लगा आपको।
अभी ये वीडियो आगे भी है, क्योंकि अभी जो हमारे साथ ये भैया चल रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो आपने कलर्स देखे बाहर, तो यहाँ पर एक जो आप कह सकते हो एक सोसाइटी है एक तरह की, जो मीना परिवार बोलते हैं जिनको, वो लोग अपना ये कलर्स उन्होंने बनाए थे और ये आज भी वो परंपरा को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कलर से नेचुरल कलर यूज़ करके कपड़े बनाते हैं और बहुत ही शानदार, जो जयपुर की रजाई फेमस होती हैं, तो उसके बाद हम वो देखने जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें मतलब मुश्किल ही मिलती हैं, बेशकीमती चीज़ें जिन्हें कह सकते हैं, और वो हर जगह वो सप्लाई करते हैं। तो जब भी आप आइए तो पूछिएगा ज़रूर कि जो ये नेचुरल कलर आज भी बनाते हैं वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उनकी तरफ से संस्था जो है मीना संस्था की तरफ से किले के अंदर गाड़ियाँ हैं जो उनकी तरफ से फ्री हैं और आपको दिखाई जाती हैं, आप वहाँ जाकर शॉपिंग भी कर सकते हो। हम बाहर निकल आएँ तो वहाँ से हमें ये भैया लेकर जाएंगे, अभी हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जहाँ पर हम मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये वही जगह है जहाँ पर जो सेना परेड करती थी। अब यहाँ से हम बाहर निकल के सामने जो दीवार दिख रहा है, जो द्वार है उससे निकल के हम लोग पीछे की तरफ से उस गांव में जाएंगे जहाँ पर वो लोग आज भी उस परंपरा को कायम किए हुए हैं। ये बाहर की तरफ आ गए हैं हम, पीछे की तरफ से भी देखिए कितना शानदार है। मैं यहाँ पे दोबारा आना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बार मैं ये वीडियो फिर से अच्छे से शूट करूँगा, क्योंकि और यहाँ पर मैं कम से कम 6 घंटे का टाइम लेकर आऊँगा। इतनी शानदार जगह 1-2 घंटे में कवर नहीं होगी, तो मुझे यहाँ फिर से आना ही होगा, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत बहुत पसंद आई। जयपुर में अब तक का जो मैंने अब तक जो भी लोकेशन देखी है सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ जब भी आप जयपुर आएँ आमेर फोर्ट ज़रूर देखें। और यहाँ पर एक मंदिर है जो कि माता शीला देवी के नाम से है, जिनकी स्थापना जो राजा सवाई जय सिंह थे उन्होंने कराई थी, और उनके बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, तो वो कहानियाँ तो आप जब आएंगे तभी सुनिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वैसे डालूँगा। तो ये जो आप जीप देख रहे हैं ये उसी जो मीना संस्था है उनकी तरफ से जीप है, जिनका कोई चार्ज नहीं है, आप इनमें बैठ के और अभी हम यहाँ पे ट्रेवल करने वहाँ जाएंगे संस्था में। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सब देखने के लिए कि वो सब कैसे करते हैं। यहाँ पर करीब 1200 से ज़्यादा मंदिर है जो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी रास्ते में मैं आपको ये दिखाता हुआ चलूँगा, जैसे जैसे वीडियो थोड़ी हिलेगी क्योंकि हम ट्रैवल करते हुए शूट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और वो सामने जो मैं दिखा रहा था वो अरावली दीवार, वो भी दिख रही है। वाकई बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप शेयर करते हैं तो थैंक यू सो मच उसके लिए। कम से कम 1 या 2 ग्रुप में तो शेयर कर ही सकते हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देखें सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप यहाँ आना चाहेंगे, ये जगह देखना चाहेंगे आप ये, और ये जगह आपको कैसी लगी। ये किले के चारों तरफ से ही रास्ता बना हुआ है। जो ये गांव है ये लोग मजदूर जो हैं इन्होंने ही मिलके ये किले का निर्माण किया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे खेती नहीं हुआ करती थी, तो राजा ने उनको नौकरी दी कि भाई आप ये हमारे यहाँ काम करो कि इसकी इसमें, और उनको उसके बदले अनाज खाना सब कुछ मिलता था मतलब। और कमाल की बात यह है कि इस किले को बनाने में 137 साल लगे और 137 साल में एक भी मजदूर की जान नहीं गई, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आजकल बिल्डिंग बनाने में इतने हादसे होते हैं। दोस्तों यहाँ की सड़कें देखिए, चारों तरफ पत्थरों से बनी हुई हैं, और पुराने टाइम के घर देखिए कितनी शानदार गलियाँ हैं। यहाँ से थोड़ी दूर है, भैया ने बताया यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही होगा बस। वाह, ये सामने मंदिर देख रहे हैं आप, ये पन्ना मीना बावड़ी ये जगह है, तो इसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये भी बहुत शानदार है। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अभी जयपुर की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे,
सामने जो दिख रहा है वो वही है, बट हम उधर से घूम के आना पड़ा है हमें। अंदर का सीन पता नहीं मैं शूट कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ेगा। जहाँ तक भी कवर होगा मैं डेफिनेटली मैं कवर करूँगा। तो ये वो जगह है जो मीना संस्था है, और ये भैया है यहाँ पे जो यहाँ के मैनेजर, ये देखिए ये नेचुरल कलर है, इन्होंने पहले नमस्ते किया है, नमस्कार जी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैं कैमरा बंद कर दूँ, तो अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उनकी बात माननी चाहिए। तो मैं ये वो कलर मैं उससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बट मैं आपको बता दूँ अंदर जाके जो हमने चीज़ें देखी वो वाकई बहुत शानदार थी। तो आप कभी जाइए तो परचेज़ ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी वहाँ से एक शर्ट ली जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, बट अभी मैं वो उसकी फ़ोटो तो मैं अपलोड नहीं कर पाया शर्ट की, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको दिखाऊंगा। वैसे शर्ट वगैरह आपको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया, अब हम बाहर की तरफ आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं WTP जो कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क है उसकी तरफ। तो ये वीडियो कैसी लगी, और मैं कुछ फ़ोटो कुछ जो मैंने यहाँ पे क्लिक किए थे वो मैं अभी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप देख के बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मैंने ये वीडियो शूट करने में मुझे इतना पसीना आया, मुझे खांसी हो गई, तो एक लाइक तो बनता है। ये देखिए क्या नज़ारा है, अब मतलब बिल्कुल जो सूर्य देवता हैं वो किले के पीछे बिल्कुल छिप गए हैं, तो एकदम अंधेरा भी हो गया है यहाँ पे। ये देखिए सनसेट देखिए कितना शानदार है, ये देखिए मतलब मन नहीं कर रहा था जाने का बस, लेकिन टाइम ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, जाना तो पड़ेगा, लेकिन मन था यहाँ पे और 2 घंटे बैठने का। ये देखिए इतनी शांति यहाँ पे, इतना शानदार था ये। रोहित मुझे पानी दे रहा कि थोड़ा पानी पी लो, बोलते बोलते गला दुख गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम 2 ग्रुप में शेयर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सबसे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और ये कमेंट करके बताइएगा। एंड वंस अगेन दिलीप जी, रोहित जी, थैंक यू आपको दोनों को इतनी शानदार जगह दिखाने के लिए। तो हम चलते हैं, और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये रोहित है, ये दिलीप जी हैं, ये फोटो, ये देखिए शानदार नज़ारा देखिए। तो कैसी लगे आपको ये फोटो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। रास्ते देखिए, अब हम वापसी आ रहे हैं। WTP यहाँ से होगा काफ़ी, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से।